Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I am Kavita Chauhan and in this video we will discuss about methylene blue reduction test for milk. Large number mein bacteria present hote hain raw milk mein. Specially E. coli and Streptococcus lactis indicative hote hain jo poor methods hote hain milk ke production ka and handling ka. MBRT और मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट एक रैपिड एंड इनएक्सपेंसिव वे होता है इवेलुएट करने का माइक्रोबियल क्वालिटी ऑफ मिल्क। MBRT का प्रिंसिपल ये है कि जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं मिल्क में वो यूटिलाइज करते हैं ऑक्सीजन को एंड प्रोड्यूस करते हैं रिड्यूस्ड एनवायरनमेंट। रिड्यूस्ड एनवायरनमेंट मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो। इस टेस्ट में हम यूज करते हैं मिथाइलिन ब्लू को एज अ इंडिकेटर। सो मिथाइलिन ब्लू कलर सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन से। मिथाइलिन ब्लू ब्लू कलर का होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एंड कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट कलर में जैसे जैसे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगती है। तो मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट में होता यह है कि हम मिल्क सैंपल लेते हैं और मिल्क सैंपल में हम ऐड करते हैं मिथाइलिन ब्लू को। तो मिल्क सैंपल में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं ऑक्सीजन को धीरे धीरे यूटिलाइज करने लगते हैं। तो जब तक मिल्क में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बनी रहेगी तब तक मिथाइलिन ब्लू का कलर ब्लू कलर का रहेगा एंड जैसे जैसे बैक्टीरिया यूटिलाइज करने लगेंगे ऑक्सीजन को वैसे वैसे मिथाइलिन ब्लू का जो कलर है वो कन्वर्ट होने लगेगा व्हाइट कलर में। अब जो स्पीड होगी कलर के डिसअपियर होने की मिथाइलिन ब्लू के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे मिल्क सैंपल में। मतलब कि अगर मिल्क सैंपल में ज्यादा नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे तो मिथाइलिन ब्लू का जो कलर होगा वो जल्दी से डिसअपियर होगा और मिथाइलिन ब्लू ब्लू कलर से व्हाइट कलर में जल्दी कन्वर्ट होगा। वाइल अगर मिल्क सैंपल में बैक्टीरिया का जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा तो उस केस में मिथाइलिन ब्लू धीरे धीरे कन्वर्ट होगा व्हाइट कलर में। मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आप एक क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें आप ऐड करेंगे 10 ml ऑफ मिल्क सैंपल। देन आप ऐड करेंगे 1 ml ऑफ मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन एंड मिक्स करेंगे थरली। देन आप इंक्यूबेट करेंगे इस ट्यूब को 35 डिग्री सेल्सियस में वाटर बाथ में एंड फिर आप क्या करेंगे ऑब्जर्व करेंगे मिथाइलिन ब्लू के कलर चेंज को। अगर मिथाइलिन ब्लू का कलर विद इन 6 hours भी चेंज नहीं हुआ दैट मीन्स जो मिल्क आपके पास है वो गुड क्वालिटी ऑफ मिल्क है। और अगर मिथाइलिन ब्लू का कलर विद इन 2 hours कन्वर्ट हो गया व्हाइट कलर में दैट मींस कि जो आपके पास मिल्क सैंपल है वो पोर क्वालिटी ऑफ मिल्क है। सो मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट का जो रिजल्ट है उसे आप कुछ इस तरीके से देखते हैं। अगर मिथाइलिन ब्लू का जो रिडक्शन टाइम है वो 0 to 30 minutes है दैट मींस कि आपके पास जो मिल्क सैंपल है वो वेरी पोर क्वालिटी ऑफ मिल्क है एंड इसमें जो अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया पर ml में होंगे वो मोर देन 2 crores होंगे। अगर मिथाइलिन ब्लू का जो रिडक्शन टाइम है वो 1 to 2 hours है दैट मीन्स कि जो आपके पास मिल्क सैंपल है वो पोर क्वालिटी ऑफ मिल्क है एंड इस केस में जो अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया होंगे पर ml में वो मोर देन 40 lakhs होंगे। अगर मिथाइलिन ब्लू का रिडक्शन जो टाइम है वो 3 to 4 hours है That means कि आपके पास जो मिल्क सैंपल है वो फेयर क्वालिटी ऑफ मिल्क है एंड इस केस में जो अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया होंगे पर ml में वो मोर देन 5 lakh होंगे। एंड अगर मिथाइलिन ब्लू का रिडक्शन टाइम 5 to 6 hours आ रहा है दैट मीन्स कि आपके पास जो मिल्क सैंपल है वो गुड क्वालिटी ऑफ मिल्क है एंड इस केस में जो अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया होंगे पर ml ऑफ मिल्क में वो लेस देन 5 lakh होंगे। So this is all for today. Hope you like this video. If you like this video, then please do like, share and subscribe for more such videos. And thanks for watching.